अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगी। अल्लाह के करम से मैं भी ठीक हूँ। और आज मैं आपके लिए ये एक ब्यूटीफुल सा स्लीव डिज़ाइन लेकर आई हूँ, जो कि मैंने लॉन्ग ड्रेस पे बनाया है। ये समर के लिए बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही अच्छा है। अगर आप इसको बनाएंगी तो आपको जो है आपका ड्रेस जो है वो बहुत ही अच्छा बन जाएगा। सबसे पहले मैंने इसकी जो है बेल बॉटम शेप में कटिंग कर ली है, और इसका जो नीचे वाला बॉर्डर आप देख रही हैं इसको मैंने कटिंग करके सेपरेट कर लिया है। और ये वाला जो कपड़ा है इसको मैंने नीचे लगाना है। ये मैंने एक इंच पे यानी एक इंच की चौड़ाई रखते हुए इसको कटिंग किया है। और ये वाला जो कपड़ा है, ये वाला मेरे पास तकरीबन 1.5 इंच का है, और ये मैंने काफ़ी लंबा रखा है, तकरीबन 40 इंच आप कह लें। तो इस तरह से लंबी स्ट्रिप मैंने एक तैयार करनी है, यहाँ से जहाँ से मैंने स्टार्ट करना है वहाँ से बंद करके बाकी 4 पॉइंट पे मैंने इसको स्ट्रेट लाइन लगा देनी है, सिलाई कर देना है। और ये देखिए, अब मैंने इसको सिलाई कर लिया है, और अब इसको स्ट्रेट करने का तरीका बताऊंगी। इसको अंदर की तरफ इस तरह करते हुए मैंने ये एक बारीक सी सुलाख है मेरे पास, जिसके साथ मैं इसको स्ट्रेट कर लूँगी। बहुत ही इजी है, आप चाहें तो आप स्ट्रेट यानी कि सीधे कपड़े पे भी इसको बना सकती हैं, या फिर आड़े कपड़े पे भी बना सकती हैं। मैंने आड़े कपड़े पे इसको बनाया है, आड़े कपड़े पे ज़रा अच्छा बन जाता है यानी कि नीट बन जाता है। आप अपने हिसाब से बना सकती हैं जिस तरह से आपके पास कपड़ा हो। तो ये मैंने स्ट्रेट करके इसको प्रेस कर लिया है अच्छी तरह से। अब मैं आपको बताऊंगी ये मैंने किस तरह इसको सिलाई करना है। 2.5 इंच पे मैंने इसको निशान लगा दिया है, यानी कि जो मैंने अभी स्ट्रिप सिलाई की है। तो इस तरह से 2.5 इंच पे मैं तमाम निशान लगाती जाऊंगी। तमाम स्ट्रिप के ऊपर जो है मैंने 2.5 इंच पे निशान लगाने हैं। ये निशान जो हैं ये निशान ज़रूरी हैं, तमाम पट्टी के ऊपर मैंने ये निशान लगा लेने हैं, और फिर इसको स्टिच करना स्टार्ट करूँगी। अगर पहले से हम अपने मार्क वगैरह यानी कि कंप्लीट कर लेते हैं तो सिलाई जो है इजीली हो जाती है, हमें बार बार उठना नहीं पड़ता, या फिर एक काम को जो है मुश्किल नहीं होती एक काम के लिए। तो अगर हम अपना काम अच्छे तरीके से करेंगे तो फिर हमारे लिए आसानी होगी, हमारा काम अच्छा होगा। तो अब देखें, मैंने इसको इस तरह से स्टार्ट करना है। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने जो सिलाई का मार्जिन छोड़ना है उसको छोड़ते हुए मैंने यहाँ पे इसको रखा है, तकरीबन 1/2 इंच छोड़ते हुए मैंने यह स्ट्रिप जो है लगानी स्टार्ट की है। तो आप देख रही हैं किस तरह से मैंने इसको मोड़ा है नीचे की तरफ, ये ट्राइंगल शेप बन जाएगी इसकी। तो जो आगे मार्क है वो ऊपर चला गया, और जो तीसरा मार्क था वो नीचे आ गया। इस तरह से जो मैंने मार्क लगाए हैं, एक मार्क ऊपर चला जाएगा, एक नीचे। 2.5 इंच पे जो है आपका ये डिज़ाइन जो है रेडी करना है आपने। इस तरह से मैं इनको पहले इसको नीचे की तरफ मोड़ना है, फिर ऊपर लेके जाना है, फिर नीचे लेके जाना है। इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता सिलाई लगानी है, ताकि ये जो है आपकी सिलाई में खींचना पड़ जाए, या नीचे वाला जो कपड़ा है वो ज़्यादा ऐसे खींचा ना जाए। आराम से इजीली आपने इसको स्टिच करना है। कोई भी काम इंसान के लिए मुश्किल नहीं है, सिर्फ उसको अगर हम ख्याल से करेंगे, केयरफुली करेंगे, तो वो काम जो है ज़रूर हो जाएगा, और कोई मुश्किल भी नहीं होगी। तो अब आप देख रही हैं मेरे तमाम मार्क जो हैं ऊपर नीचे आ रहे हैं, और मेरी सिलाई जो है बहुत अच्छी और यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट लग रही है। अब यहाँ पे जो है मेरी स्ट्रिप यानी कि थोड़ी सी एक्स्ट्रा है, यानी कि बच गई है, कोई जोड़ वगैरह नहीं आया। आपने भी इसी तरह लंबी स्ट्रेट बनानी है। अब ये देखिए, मैंने इसको अच्छी तरह से आयरन के साथ प्रेस कर लिया है। आप देखिए ये कितना ही नीट लग रहा है, क्योंकि मैंने इसको आयरन कर लिया है। मैं अपने काम में आयरन बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, क्योंकि आयरन के साथ जो है सफाई बहुत ज़्यादा आती है। इस तरह से अब मैंने दूसरी साइड पे भी इसी तरह सिलाई लगा देनी है। आप देख रही हैं जहाँ पे वी कट बन रहा है वहाँ पर मैंने सिलाई लगानी है, यानी कि बिल्कुल ऊपर नहीं मैं सिलाई लगा रही, वी कट के ऊपर मेरी सिलाई आ रही है। इस तरह से आप देख रही हैं, आपको मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर समझ भी आ रही होगी।
मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी वीडियोस में आपको ऑल टू ऑल पैटर्न बताऊँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। अब यहाँ पे देखें, बिल्कुल जो बॉर्डर्स हैं वो बिल्कुल बराबर आए हैं जैसे मैंने कटिंग किए थे। और ये मैंने जो कपड़ा आपको बताया था ये मैंने एक इंच पे कटिंग किया था, तो अब इस तरह से मैंने जो सिलाई लगाई है उसके ऊपर मैंने दोबारा सिलाई लगा देनी है और ये वाला कपड़ा जो है वो नीचे इसके साथ ऐड हो जाएगा। और एक सिलाई जो मैंने वो लगा ली है और अब दूसरा जो है जोड़ मेरा उसके साथ भी मैंने इस तरह से लगा के उसको अच्छी तरह से आयरन के साथ मैंने प्रेस करके फोल्ड कर लिया है। आप देख सकती हैं कि मैंने कैसे इसको कर लिया है। ये देखें, ये उल्टी साइड है, इनको मैंने आयरन के साथ अंदर की तरफ जो है यानी कि जोड़ वगैरह जो थे यानी कि स्ट्रिप के वो इस कपड़े के अंदर चले गए थे। और इसको मैंने बाजू की फ़िटिंग लगा दी है बिल्कुल हाफ इंच पे, तो अब मेरा बाजू जो है वो रेडी हो चुका है। आप देखनी ये जो कपड़ा है आगे से मैंने आपको दिखाया है, इसको मैंने फ़ोल्ड किया है। अगर ये बाहर की तरफ नज़र आए तो बहुत ही बुरा लगता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। अब मैं चाहूँगी इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।